Astronomic viewers, my name is Dwan Cheema and welcome back with another video of Lahore Smart City. वॉकिंग टेल्स एपिसोड 31 आज के स्टूडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी के आपको जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है जो अब तक कैपिटल स्मार्ट सिटी में नहीं हो सका तो उसके हाले से बताऊंगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसा क्या हुआ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इससे तकरीबन चार साल पहले लॉन्च हुआ था उसके दौरान उसमें जो नई चीज़ हो सकी और यहाँ हो चुकी है उसके हवाले से डिटेल्स बताऊंगा कि लाहौर में इन्वेस्टमेंट के आपको रिटर्न कैसे बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं इन फ्यूचर तो बात करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की मेन बुलेवेट की जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो सबसे बड़ा सिग्निया है वो है एम टू मोटरवे पर इंटरचेंज और उसके साथ साथ उसकी चार फीट की रोड इस पहले इतनी वाइड रोड किसी और सोसाइटी में नहीं बनाई गई तो कैपिटल स्मार्टी को ये भी एजाज़ हासिल होगा कि वो ये सबसे वाइड रोड जो होगी वो बनाएंगे और कैपिटल स्मार्टी राहुलपिडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो खुली रोड वाला प्रोजेक्ट होगा या मेन बुलेवेड वाला प्रोजेक्ट होगा वो बन जाएगा तो लाहौर स्मार्टी की मेन बुलेवेड की बात करते हैं लाहौर स्मार्टी की मेन बुलेवेड की वेट है थ्री फीट अब जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ अभी ये मेन फोर लेन रोड है इस साइड पर और फोर लेन रोड है आपकी इस साइड पे अब ये 350 फिफ्टी फीट नहीं बनाते सेंटर में ये जी वाला एरिया होगा सारा ये सारा का सारा एरिया हॉर्टिकल्चर और ग्रीनरी के लिए यूज़ होगा और ये मेन बोले बैट साढ़े तीन सौ की बिट्स नहीं क्रिएट करते क्रिएट विट्स होती थी है साढ़े तीन सौ फ़िट की यहाँ से यानी अगर आप इस रोड के अपोजि साइड पर देखें यानी कि इस रोड के बिल्कुल साथ एडजस्टमेंट देखें तो सर्विस लेन की कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी यानी ये जो सर्विस लेन जब बनेगा इसके ऑपोजिट साइड पे फिर मेगा कमर्शियल्स होंगे जो बड़े प्लॉट्स होंगे कमर्शियल के और इसकी बैक साइड पे दूसरा 180 फुट का सेपरेट रोड है तो ये जो कमर्शियल के आपको प्लॉट्स ये जो सर्विस रोड नज़र आ रहा है इसकी बैक साइड पे कमर्शियल के प्लॉट्स होंगे तो ये जो रोड की वेथ होगी वो बेसिकली इस कच्चे रस्ते से स्टार्ट हो फिर ये वाला सारा पार्ट और ऑपोजिट साइड पर ये वाला जो सारा पार्ट बनता है यानी कि ये जो रोड बनती है इसके ऑपोजिट साइड पर जो सर्विस रोड होगी उस तक इसकी टोटल वेथ बन जाएगी ये है लाहौर स्मार्टी की मेन बुलेवेड और सबसे अच्छी बात मेन बुलेवेट की क्या है कि इस इसमें तकरीबन एक से डेढ़ किलोमीटर का पैच ऐसा है जिसकी मुकम्मल कारपेटिंग भी हो चुकी है यानी कि इसका जो एक तो तब ब्लैक टॉप होना एक होना कारपेटिंग होना है कारपेटिंग के बाद अब डिमार्केशन स्टार्ट हो जाएगी यानी वो लेंस की ड्रॉ जो ड्राॅइंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगी कि लेंस की ये डिमारकेशन हैं और ये रोड आगे जाके इस पॉइंट पे लाहौर ईस्टर्न बाईपास के ऊपर जो इसका इंटरचेंज होगा जो डेफिनेटली लाहौर स्मार्ट ने अप्प्लाई किया है और एन की मैनेजमेंट और इसके अलावा एफडब्ल्यू की मैनेजमेंट आके ये साइट विजिट भी करके जा चुकी है तो इस जगह पर इंटरचेंज बनाया जाएगा ये ईस्टर्न बाईपास से यहाँ से एक्सेस लेके आप लाहौर स्मार्ट के अंदर आ जाएंगे और ये राइट साइड पर आपके यानी अगर आप लाहौर स्मार्ट से आ रहे हैं और राइट साइड पर आपके ईस्टर्न बाईपास से आ रहे हैं तो राइट साइड पर आपका आएगा मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस ये लाहौर मार्टी का फ्यूचर का जो हेड ऑफिस होगा मार्केटिंग एंड सेल्स का वो यहाँ पे बनेगा और इसके साथ ही बिल्कुल ये एडजस्टमेंट लाहौर स्मार्ट का कैंप ऑफिस मौजूद है कैंप ऑफिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी सीनियर मैनेजमेंट है यानी कैपिटल स्मार्ट की जो मैनेजमेंट है आपको साइट ऑफिस का पता होगा जो कैंप ऑफिस है वहाँ पर बैठती है और यहाँ पे साथ सेल्स ऑफिस भी आ जाएगा तो जितनी सेल्स हैं ट्रांसफर या मार्केटिंग के वाले से जितनी चीज़ें होंगी वो भी आपको इस जगह से इंफॉमेशन मिल जाएगी तो ये लाहौर स्मार्ट का फ्यूचर के लिहाज से ये वाला पॉइंट जो घब होगा और इसके ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे आपको कुछ डर्ट नजर आ रही है ये वाला पॉइंट पे इस तरफ भी मशीनरी लगी हुई है तो मेन बुलेवट आगे जाके लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ अटैच हो जाएगा मेरे राइट साइड पे जो ये बिल्डिंग्स हैं, इनकी बैक साइड पे लाहौर सियालकोट मोटरवे एम गुजरती है तो जैसे मैंने अक्सर बात करता हूँ वीडियो में कि लाहौर स्मार्ट टी पाकिस्तान का शायद वो वाहद प्रोजेक्ट होगा जिसको लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर भी एक्सेस है यानी रिंग रोड पर एक्सेस है इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक रोड पर भी एक्सेस है और इसके अलावा मोटरवे भी एक्सेस होगी जिसका नाम है लाहौर सियालकोट मोटरवे तो व्यूर्स दिस वॉज इट फ्राम टुडे अगर आपको लाहौर स्मार्ट या कैपिटल स्मार्ट सिटी से बुकिंग के हवाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रबा करें इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना बात भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़